जय रसगुल्लू, आपके दीवान पर क्लास आपका 8वीं का वार्षिक परीक्षा, यहाँ पे सेट आपका ए। देखिए विषय विज्ञान का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूँ। आज आज अभी अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पूरा पेपर आपका यहाँ पे रियल है, आप डाउट मत करो। पूर्णांक आपका 60 है, प्रश्नों की संख्या आपका 24 है, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। देखिए आपको यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, अनुक्रमांक और जिला, आप इसे भर लीजिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पूरा पेपर आपको यहाँ पे 25 मार्च के विज्ञान के पेपर आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा। यदि आपने कर लिया तो पूरे आप यहाँ पे पेपर में गर्दा उड़ा दोगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हर एक पेपर का आंसर मैंने अपलोड कर दिया, गणित का अपलोड कर दिया, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। विद्यार्थियों यहाँ पर आ जाता है बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक में आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है आपका एक अंक यहाँ पर रहने वाला है। निर्देश आपको क्या दिए गए विद्यार्थियों, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आइए पूरा हम शुरू करेंगे, ठीक है। आपको विद्यार्थियों रट लेना है, जितना आपके पास समय बचा है आपको जो है पूरा यहाँ पर रट डालना है। पहला आपको दिया है बसा का पूर्ण रूपण पाचन जिस अंग में होता है वे है, तो इसको उत्तर आएगा विद्यार्थियों क्षुद्रांग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, दूसरा यहाँ पर आपको दिया है जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, तो उसका उत्तर आएगा विद्यार्थियों बृहदान्त्र। तीसरा है अमीबा किस अंग के सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, इसको उत्तर आएगा विद्यार्थियों पादाब। चौथा क्वेश्चन हमें दिया है अमरबेल उदाहरण है, किसका उदाहरण है विद्यार्थियों परजीवी का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है किसी कीट को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है क्या है विद्यार्थियों, घटपर्णी है। स्वत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है, इसको उत्तर आएगा सात। प्रश्न सातवां में दिया सात वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होगी, इसको उत्तर आएगा श्वेत। पादपों में जल का परिवहन होता है, इसका उत्तर आएगा विद्यार्थियों यहाँ पर जैलम के द्वारा। ये देखिए विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पर जो आपको रियल पेपर दिख रहा होगा है ना, इसी टाइप में आपको जो पेपर यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। PDF वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी सुबह सुबह। मेरे दोस्तों अगर आप भी MP बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 8वीं व 7वीं के पेपर और सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको हमारे प्राइवेट चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें आपको हिंदी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी की PDF आपको दी जाएगी। इसमें आपको काफी सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, जैसे कि 101% असली पेपर संपूर्ण हल के साथ दी जाएगा, IMP स्टडी मटेरियल, ऐसे मॉडल पेपर आपको दी जाएंगे जिनके यदि आप तैयारी करते हो तो आप परीक्षा में 80% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। और इसमें आप एक कोर्स खरीदने पर आपको 2 कोर्स फ्री में मिल जाते हैं। ऑफर के कारण इसकी फीस रखी गई है मात्र 49 रुपए, और यह ऑफर है केवल 20 मार्च तक, बाद में इसकी फीस कर दी जाएगी 500 रुपए। तो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक, प्राइवेट चैनल को ज्वाइन करने की लिंक, और प्राइवेट चैनल को आप किस तरह ज्वाइन कर सकते हो, तीनों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। तो जाइए फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करिए और PDF का आनंद लीजिए और परीक्षा में टॉप करिए। अमाशय में अम्ल स्त्रावित होता है, किसके द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। लास्ट है आपका पादपों में भोजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है विद्यार्थियों, फ्लोएम के द्वारा होता है। अब हम बढ़ जाते हैं यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 11 से लेकर 20 तक में आपको जो है लघु उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। प्रश्न 11 आपको क्या दिए गए हैं, परावर्तन के नियम लिखिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं परावर्तन के नियम, हेड डाल देंगे। पहला पूर्ण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रश्न 12 हमें दिया है विद्युत लेपन किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोग बताइए। ये भी 3 अंक का प्रश्न है, तो इसको उत्तर लिखेंगे
सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे लेपन की। विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? विद्युत लेपन की सहायता से अनेक उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं पर अन्य धातुओं की परतें चढ़ा जाती है। उदाहरण के लिए सोने या चांदी की परत चढ़ाना। प्रश्न 13वां में दिया है, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, स्नेहक एक ऐसा पदार्थ है जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उनके बीच घर्षण कम हो, ताकि जल्दी घिस ना जाए। इसमें घूलने या बहा कणों के परिवहन और गर्मी के वितरण का कार्य हो सकता है। अब प्रश्न 14 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न 14 है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन के संपर्क बिंदुओं में घस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। प्रश्न 15वां में दिया है, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? इसका उत्तर आएगा, पहला आप लिखेंगे वस्तु की चाल बदल जाती है, दूसरा है ना जिससे वह तेज अथवा धीमी गति करने लगती है, दूसरा वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, तीसरा इससे वस्तु का आकार परिवर्तित हो सकता है। तीनों पॉइंट विद्यार्थियों आपको रट लेने हैं, पूरे प्रश्न के उत्तर आपको रट डालने हैं, ठीक है। अब प्रश्न 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न 16 है आपका, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आप जो है, सबसे पहले आप दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ आप लिखेंगे पादप कोशिका, दूसरी तरफ आप लिखेंगे जंतु कोशिका। तो आइए देख लेते हैं, पहला पादप कोशिका, इसमें कोशिका वृत्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरे तीनों पॉइंट आपको रट डालने हैं ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पर मिल सके। इसके बाद प्रश्न 17वां में दिया है, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं लिखिए। तो इसका उत्तर है, कोशिका के तीन मुख्य घटक हैं, पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न 18वां आपको दिया है, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है लिखिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थी, ये पूरा सोल्यूशन हमने आपके लिए तैयार करके लाया है। तो ये विद्यार्थी, इसका जो पूरा उत्तर है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपका पूरा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, पूरा आपको रट डालना है। प्रश्न 19वां में दिया है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, ठीक है। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर उत्तर, जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये सबसे पहले आप इतना लिखेंगे, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ, जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तटों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति उच्च दाब से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हुए। अब विद्यार्थी बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। ये देखिए, प्रश्न 20वां आपको दिया है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? तो ये रहा विद्यार्थी इसका यहाँ पर पूरा उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा उत्तर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है ना। यह एक उत्तम प्रकार का ऊर्जा का ईंधन है, इसका प्रयोग आजकल प्रत्येक घरों में हो रहा है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर प्राकृतिक गैस CCN2Cl के रूप में भंडारित किया जाता है। इससे घरों में कारखानों में सीधा जलाया जाता है और खाना बनाने में उपयोग होता है। तो ये आपका पूरा उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 21 आपको दिया है। अब प्रश्न 21 से लेकर 24 तक में आपको द्विगुत्तीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 अंक यहाँ पर रहने वाला है। तो प्रश्न 21 आपको दिया है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका पूरा यहाँ पर उत्तर। ठीक है, पूरा उत्तर आप लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियाँ प्रभावित होती है। ध्वनि प्रदूषण निरंतर होने वाले तीव्र शोर जैसे मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज, रेल इंजन की आवाज़, कारखानों व लाउड स्पीकर की ध्वनि से होता है। ध्वनि प्रदूषण से सबसे पहले हमारे सुनने में व्यवधान उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण से कभी कभी बहरापन भी आता है। इससे हमारे शारीरिक क्रियाकलापों में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, साथ ही यह हमारे सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है। वे लोग जो बहुधा तीव्र शोर में रहते हैं असामान्य सामाजिक व्यवहार दर्शाते हैं। अतः प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वाहनों को अच्छी, इतना आपको उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर पूरे लाइनों में आपको लिखना है। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 22 आपको दिए गए कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको जो है उर्वरक और खाद में अंतर आपको जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों, उर्वरक और खाद में अंतर, दो कॉलम बनाएंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे उर्वरक, दूसरे कॉलम में लिखेंगे खाद। पहले हम देखते हैं, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद जो है खेतों में बनाई जाती है। दूसरा, उर्वरक में पादप पोषक प्रचुरता में होता है और खाद में पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। तीसरा, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। चौथा, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है और खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव मस अपशिष्ट, पौधे का अपशिष्ट आदि से बनाया जाता है। अब विद्यार्थी लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 24 आपको दिए गए हैं, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, ये भी आपका 5 अंक का क्वेश्चन है जो कि इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये रहा विद्यार्थियों इसका यहाँ पर पूरा उत्तर, एक ऐसा अवांछित पौधा जो बिना किसी बोने के बावजूद खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, इसका किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। तो पहला पॉइंट है, ये पौधे के पोषक तत्वों को स्वयं उपयोग कर लेते हैं। दूसरा, जल स्त्रावण की क्षमता घटा देते हैं। तीसरा, उर्वरता को प्रभावित कर देते हैं। चौथा, खरपतवार पैदावार की कम करते हैं। तो ये तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है, बाय। वो है